संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुरना, नर्सरी से कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में नर्सरी से कक्षा 7वीं तक प्रवेश प्रारंभ, 11वीं में पाए गणित, जीव विज्ञान, कृषि और कॉमर्स संकाय में प्रवेश। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार, धर्म, समाज और खेलकूद गतिविधियों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र स्थान। विद्यालय की सुविधाएं, विशाल भवन, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, पीने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन, अटल टिंकरिंग लैब, कैंपस कवर्ड विद सिक्योरिटी। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश हेतु संपर्क करें सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शंकर नगर, पारडी रोड, पांडुरना। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूली जलाशय को लेकर जरूरी बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में हुई। इस बैठक में कलेक्टर अजय देव शर्मा ने जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग को समय सीमा में भू अर्जन के प्रकरणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। पुनर्विस्थापन के लिए सार्वजनिक संसाधनों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए कहा। पुनर्वास के स्थान पर पेयजल उपलब्धता का आकलन करने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए। भूमि के सर्वेक्षण को लेकर गंभीरता बरतने के साथ ही भूमि का सर्वे करते समय भूमि स्वामी के कुएं, ट्यूबवेल, वृक्षों आदि का भौतिक सत्यापन भूमि धारक की उपस्थिति में तैयार करने के लिए कहा है, ताकि भविष्य में किसी तरह की विसंगति उत्पन्न न हो सके। संपूर्ण जानकारी 2 सप्ताह के भीतर विभागीय अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। कलेक्टर अजय देव शर्मा ने कहा कि भूली जलाशय क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। जलाशय निर्माण से क्षेत्र में 26,157 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र को जल की उपलब्धता होगी तो जल संकट भी खत्म होगा। भूली जलाशय में भूली, मोरडोंगरी, धावड़ीखापा, नीलखंड, खड़की, भुयारी और खेड़ीदान भोयर की भूमियों एवं उनके भू अर्जन की जरूरी कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल से सिविल अस्पताल पांडुरना को 3 माह की टीबी की दवाई भेजी गई। लंबे समय से दवाई की सप्लाई नहीं हो रही थी। कहा जा रहा था कि प्रदेश में ही दवाओं का टोटा बना हुआ है, जिसके बाद क्षेत्र में लगातार बढ़ते टीबी मरीजों के उपचार को लेकर सवाल पैदा होने लगे थे। अधिकारियों के प्रयासों के बाद 4 दिनों में दवाई उपलब्ध हो गई है। टीबी विभाग के तुषार सिंगारे ने बताया कि जरूरी दवाएं 4FDC और 3FDC दवा की आपूर्ति हुई है, जिससे मरीजों को वितरित किया जाने लगा है। इस हफ्ते की शुरुआत तक केवल 3 पत्ते बचे हुए थे। सिविल अस्पताल से इंडेंट भेजा गया था, जिसके बाद दवाई मिलने से मरीजों ने राहत ली है। शुक्रवार को पुलिस थाने के सामने यातायात विभाग ने मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठाकर घूमने वाली मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इससे तार बाजार में हड़कंप मचा रहा। मोटरसाइकिल चालक कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। यातायात विभाग ने दिनभर लगभग 20 मोटरसाइकिलों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है। इसी तरह नो एंट्री में गुजर रहे 2 प्याज से भरे ट्रकों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस थाने में खड़ा कर किया गया है। भारत केबल नेटवर्क, आपकी सुविधा हमारा समाधान। इंटरनेट कनेक्शन, केबल कनेक्शन या हो आपकी शिकायत, संपर्क करें